मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सम्मान व स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को सीओ कोतवाली वीपी सिंह के नेतृत्व में तिवारीपुर थाने में महिलाओं और बालिकाओं को प्रदेश सरकार द्वारा उनके लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने थाने पर आई महिलाओं को प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में महिलाओं को बताया गया और महिलाओं के लिए बनाए गए हेल्पलाइन नंबर के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। इस अवसर पर तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह सहित अन्य अधीनस्थ कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली वीपी सिंह ने कहा, इसके लिए हम हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं और सभी को अपने पुलिस परिवार की तरफ से नमन करते हैं। आज नवरात्रि का महाअष्टमी व्रत भी है, आप लोग व्रत रखते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने आए, इसके लिए तिवारीपुर पुलिस परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा। तो इसके लिए प्रथम चरण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके आगे भी लगातार चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप महिलाओं के लिए अलग सुनवाई के लिए कक्ष होगा जिसमें महिलाएं ही उनकी देखा की भीड़ पहले बहुत भीड़ होती थी, रास्ते आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी, पहले हम लोगों को आने जाने बहुत ही दिक्कत हो रही थी। फिर खाने के लड़के जेंट्स लोग आते थे, महिलाएं भीड़ है तो उसने और उसके ऊपर भी मैं डाल कर ले लेते ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति प्लान का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी 1535 थानों में कल शुभारंभ हुआ है। आज पुलिस के मानवीय चेहरा के अंतर्गत थाना तिवारीपुर पर क्षेत्र की सम्मानित महिलाओं की गोष्ठी आयोजित की गई और उन्हें पुलिस द्वारा प्रदत्त, सरकार द्वारा प्रदत्त जो भी सुविधाएं हैं इनके संबंध में 181-1076 और 1090-112 और स्वास्थ्य संबंधी जो भी 108 और 102 जो भी चल रहे हैं इनके बारे में अवगत कराया गया कि आप इनकी मदद ले सकती हैं। जहां भी सुरक्षा अथवा सम्मान में किसी को ठेस पहुंचाने की संभावना है और स्वावलंबन के दृष्टिकोण से जो भी आप पुलिस का सहयोग प्राप्त कर सकती हैं हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हाँ, शुभारम्भ हो चुका है, नए महिला हेल्प डेस्क कक्ष का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए मरम्मत का कार्य चल रहा है, शीघ्र ही उसे मूर्त रूप दिया जाएगा। इसमें अलग से ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं महिलाओं की? हाँ, अलग से महिलाओं की दो दो महिलाओं की 3 शिफ्टों में ड्यूटी होगी और जो अनवरत जारी रहेगी।